हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है 2 अगस्त, वेंसडे, अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock। सो महिंद्रा वालों ने पिकअप भेजा हुआ है ड्राइवर को गाड़ी पिक करने के लिए। तो अभी 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस के लिए जा रही है गाड़ी। तो आपको बताते हैं कैसी हुई सर्विस और क्या एक्सपीरियंस रहा। 1 लाख किलोमीटर वाली सर्विस थोड़ी सी महंगी होती है और प्लस थोड़ा इंटीरियर क्लीनिंग करा लेंगे, बहुत दिन से पड़ा हुआ था। सॉइल सीट्स हैं और पिक्सी का बाल वाल बहुत सारा है। तो इसको रिव्यू करा देते हैं और उसके बाद शाम को आएगी गाड़ी, बताते हैं क्या क्या हुआ काम। क्या कुछ कहना चाह रही हो? क्या कुछ कहना चाह रही हो? क्या कहना चाह रही हो? क्या बेटा? क्या क्या पॉटी नहीं निकल रही है? ऐसे दम मत लगाओ, दम मत लगाओ, पॉटी नहीं निकल रही। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, बस बस, शांति शांति, ऐसे नहीं करते हैं। लो भाई, हमको उसको दूध बना के लाना। अरे मुंह लाल हो गया भाई, मुंह लाल हो गया। क्या कहना चाहिए? काय गुस्सा रही हो? अरे हाँ, लैपटॉप चला रही थी। अरे अरे अरे, लैपटॉप चला रही हो? हैं? क्या मैं? गाड़ी तो चकाचक हो गई, बढ़िया, अच्छा किया है, बिल्कुल चकाचक कर दी है गाड़ी। है हाँ, सही है, बाहर से ही देखने में बिल्कुल शाइन मार रही है, अच्छी। वाह भाई, सही है। And the things that you never learned, yeah. Then you take a little while to remind me of the one you were. So गाड़ी बढ़िया चमक गई है, क्या टनाटन, मजा आ गया। So बढ़िया हो गई, अब लॉन्ग ड्राइव के लिए तैयार। सो हमारी 1 BHK आ गई है अपने सर्विस सेंटर से। 1 लाख किलोमीटर की सर्विसिंग हो गई है, महिंद्रा वालों ने अच्छे से किया है। इंडिया गराज में हम लोग गाड़ी भेजते हैं जो महादेवपुरा में है, वहीं से ख़रीदा था और हमेशा सर्विसिंग के लिए वहीं जाती है जब बेंगलोर में रहते हैं। तो अच्छी सर्विसिंग हुई है। 1 लाख किलोमीटर में आपका ऑयल चेंज हो गया, इंजन ऑयल, फिर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फिर आपका जो गियर बॉक्स में ऑयल होता है उसको ट्रांसमिशन ऑयल बोलते हैं, वो चेंज हुआ है। ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं जो घिस गए थे, और फिर वाइपर ब्लेड्स हम लोग ने चेंज करवाया। इंटीरियर पूरा अच्छे से क्लीन कराया है। फिर जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसको अपडेट किया है, और व्हील अलाइनमेंट किया है, व्हील को रोटेट किया है। सो ये सब चीज़ होके गाड़ी वापस आ गई है और रेडी हो गई है नेक्स्ट ट्रिप जाने के लिए, जो कि है हमारा नेक्स्ट लॉन्ग ट्रिप जो कि होगा गणपति पुले। सो ये जो 1 लाख किलोमीटर की सर्विस हुई है उसमें टोटल हम लोग को कॉस्ट आया अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 23,000, विच इज़ क्वाइट चीप। लाइक 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और जो सर्विस एक्सपीरियंस है इंडिया गराज महादेवपुरा में जो है व्हाइटफील्ड में, वो हम लोग का बेस्ट रहा है अभी तक का। दो हमको कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि गाड़ी दोबारा भेजनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जो हम लोग एंड रिजल्ट चाहते हैं वो हमेशा है ना 100% ही होता है। बहुतों का एक्सपीरियंस महिंद्रा सर्विस सेंटर का अच्छा नहीं होता है अलग अलग शहरों में, बट इट डिपेंड्स ऑन द डीलरशिप, आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ की सर्विस कैसी है। तो हम लोग का तो एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत ही अच्छा रहा है। जो भी काम के लिए देते हैं वो काम होके आती है। सो और महिंद्रा इज़ अ रिलायबल कार। अभी इतना हम लोग लॉन्ग ट्रिप किए हैं, है ना, 1 लाख किलोमीटर हम लोग ने चला लिए, कितने सारे रोड ट्रिप्स किए हैं, कितने सारे मेमोरीज जुड़ी है, और कभी भी हम लोग को ये नहीं हुआ कि रास्ते में धोखा दे दिया। सो आई होप अभी भी नेक्स्ट जितना भी चलाएंगे वो वहाँ भी धोखा नहीं देगी और हमको हमारी साथ रहेगी लॉन्ग ट्रिप्स में। तो चलिए, अभी आज का दिन तो एंड हो गया ऐसे ही, और कल और कल है सैटरडे, तो कहीं सोचते हैं लंच वंच में जाएंगे कहीं, कल लॉन्ग ट्रिप में नहीं जाएंगे बट यहाँ पे ही लंच में जाएंगे अपने नेबर के साथ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे और हम लोग बेंगलोर में है। हम लोग की गाड़ी 1 लाख किलोमीटर की सर्विसिंग होके कल आई है। सो हमने पूरा खाली कर दिया था, गाड़ी की सीट विथ धुल गई है तो जो कार सीट लगा था वो निकाल दिया। सो ये वाला कार सीट है लव लैप का 4-in-1 इन्फेंट कार सीट कम कैरी कॉट। सो ये 0 to 15 मंथ्स के लिए है, बच्चों के लिए। सो ये वाला जो कार सीट है प्लस कैरी कॉट, ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब आपका बेबी बहुत ही छोटा रहता है, न्यू बॉर्न स्टेज में रहता है, तो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए या कहीं भी लेके जाने के लिए बहुत ईजी टू हैंडल होता है, मतलब ईजी रहता है बच्चे को। और प्लस इसमें 4 फीचर्स है, जैसे कि ये जो पोजीशन है ये वाला फीडिंग पोजीशन है, फिर ये जो है रॉकिंग पोजीशन है जिसमें आप बच्चे को रॉक कर सकते हो, वो आराम से सो जाएगा रॉक करते करते। ये वाला कैरी कॉट वाला है, अगर आप बच्चे को लेके जा रहे हो कहीं भी लेके जा रहे हो, कार सीट से निकाला और इसी में बैठा के लेके जा सकते हैं। और लास्ट है ये कार सीट पोजीशन, ये टुवर्ड्स सीट फेस करेगा और इसमें जो हेडरेस्ट है 2 स्लॉट्स बने हुए हैं, तो आप बच्चे के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें दिया गया है 5-पॉइंट सेफ्टी हार्नेस जो आपको बच्चे को इसमें इंटैक्ट रहेगा सेफ्टी वाइज। ये बहुत ही अच्छा है, कोई भी झटका रहेगा कुछ भी होगा बच्चा यहाँ पे सेफ रहेगा। और यहाँ का जो कुशनिंग है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे मानवी जो है बहुत कंफर्टेबल रहेगी। प्लस ये वॉशेबल है, इसको निकाल के आप धो भी सकते हो। तो चलिए मानवी को इसमें बैठाते हैं। ये पकड़ो और ये बैक साइड से, और ये यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है, इसको यहाँ पे सिक्योर कर देते हैं। और ये हुक, तब ये कार सीट बिल्कुल परफेक्ट। और ये आगे रहेगा तो सन से प्रोटेक्शन पर अभी नहीं चाहिए, सो अभी के लिए हटा देते हैं, मानवी को नहीं चाहिए। लेकिन ये जो है आगे बिल्कुल आगे रहेगा। दिस इज द कार सीट पोजीशन। चले परफेक्ट, चले मानवी। ओके, कहाँ जाना है? तो कहाँ चलेंगे? आयरन हिल जा रहे हैं कुछ प्रोटीन खाने, है ना। और इस बार गाड़ी ताराकान चलाएगा, सो ताराकान भी हमारे साथ जा रहा है उसकी फैमिली। तो आज एंजॉय करते हैं, संडे तो कहीं और जाएंगे तो सैटरडे नाइट के एंजॉय कर लेते हैं आयरन हिल। माराथली, और माराथली में यहीं पे है आयरन हिल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रोब्रीवरी। तो हम तो पहली बार जा रहे हैं, वैसे तो बहुत पहले ही खुल गया था। हम, मैं और मनीष पहली बार आ रहे हैं, दीपिका लोग पहले आए हुए हैं। सो लेट्स सी क्या है वहाँ पे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्रूरीज और बढ़िया पब बार, खाने पीने का देखो ना सामने, द बिग बादशाह, द बिग बारबेक्यू, सब बिग बिग है माराथली में। है कृतिंगा भी है, कृतिंगा देख के तो मिर्ची आ जाती है मुझे, बहुत कड़वा होता, बाप रे बाप। चलो, मानवी सो गई मस्त अपने कार सीट पे। ये वाला सही है, कार सीट सही निकाल लो और सीधा उसमें फिट। ए ए ए, धूप 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 धूप। So, यहाँ पर सारा ऑनलाइन ऑर्डर है, आपको हर टेबल पे ये मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ग्रुप 16 है, तो टेबल नंबर है, यहीं से स्कैन कीजिएगा पूरा ऑनलाइन, आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, ऑर्डर कीजिए। पिन कभी कभी नहीं आता तो इनसे पूरी पिन बता देंगे यहीं से का, और फिर देखिए ऐसे करके आएगा। तो टेबल नंबर और ग्रुप पिन, तो दोबारा ऑर्डर करेंगे यही पिन देना पड़ेगा और खाना आ जाएगा। तो थोड़ा हाई टेक है। तो हम लोगों ने सिनरमैन स्टाउट मंगाया और वंडरलैंड व्हीट, ये पहले मंगाया था। तो सिनरमैन स्टाउट तो बिल्कुल कॉफ़ी वाला टेस्ट था, लेकिन अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। और वंडरलैंड व्हीट वॉज लाइट, मतलब जो नॉर्मल हम लोग पीते हैं वो अच्छा लगेगा। और जो अभी मंगाया है ये दोनों, तो इसमें ये सिनसिटी साइडर जो है, दिस इज़ एप्पल साइडर एक्चुअली, पूरा जैसे लगा चीनी मिला हुआ है। और जो ये आफ्टर लाइफ है एले, ये बढ़िया लग रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉफ़ी टेस्ट है प्लस वीटी टेस्ट, दोनों मिक्स है। तो अभी तक चारों में हमें आफ्टर लाइफ एले सबसे बेस्ट लगा। वो सब की बात तो अलग है, लेकिन मानवी के लिए सबसे अच्छा है सिमिलैक स्टेज 2, इससे अच्छा कोई टेस्ट नहीं है ना मानवी। सिमिलैक स्टेज 2, बॉडी टाइट हो रही है तुम्हारी, कॉन्स्टिपेशन हो गया तुम्हारा, स्टेज 1 से स्टेज 2 चेंज हुआ तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, अभी रोती हो तुम पॉटी करने में, कोई बात नहीं, जस्ट ओनली फ्यू डेज। पानी ज़्यादा पियो, क्वांटिटी बड़ा कम है। हाँ, क्वांटिटी इनका ज़्यादा नहीं है, वही ना, यूएस से आई हो तो क्वांटिटी तुम सोचो कि ज़्यादा हो, इंडिया में हो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। कैसा है ये लो, ये देखो 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 तो बस करो, बस करो। मम्मा भाई नाउ हैप्पी हैप्पी हैप्पी। पीना तो हो गया, अच्छा था खाना, वेज और नॉन वेज दोनों ही अच्छे थे, रीजनेबली था, लाइक 200-300 में ही सब कुछ पर प्लेट के हिसाब से था, सो इट वॉज़ गुड। सो अभी बाहर आए हैं, बाहर का एटमोसफेयर भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे फिशेस हैं यहाँ पे, सो कलरफुल फिशेस, तो अभी थोड़ा सा एंजॉय करके चलते हैं घर। मानवी अच्छा लगा ए लड़की, हंस रही है, इसको दिखाओ फिश दिखाओ, ये देखिए बहुत सारी फिशेस हैं। सो यहाँ पर आयरन हिल में ड्राइव यू प्रोफेशनल ड्राइवर्स भी हैं, यू बूज वी क्रूज। सो ये बढ़िया, ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट अलाउड, तो ये बढ़िया है ना। ज़्यादा पी लिया है तो ड्राइव यू लो प्रोफेशनल ड्राइवर्स, घर तक छोड़ के आएगा। चलो विल गो इन कार राइट, यू ऑल गुड टू रॉक एंड रोल। आराम से आराम से आराम से, अरे लड़की चलो ऑल सेट सेट इसी ऑन कर ऑल सेट मानवी यू आर सेट, लेट्स गो होम। ये आगे देखिए रामेश्वरम कैफ़े, द फेमस रामेश्वरम कैफ़े, ये वाला। तो आजकल बैंगलोर में खूब चलन है इसका, साउथ इंडियन फूड ऑप्शंस मिलते हैं और खूब भीड़ होती है। जा रहे हैं आप पकड़ाते जाइए। हाँ। बिल्कुल चलिए, हेलो हमको ये पकड़ाओ। भैया कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। मिर्जापुर हम लोग रायबरेली के हैं। अच्छा अच्छा। निकले थे घर से 2 बजे और अभी पहुंचे हैं 8 बजे। लंच के लिए गए थे लेकिन रात हो गई आते आते क्योंकि इतना ट्रैफिक था। आयरन हिल का खाना अच्छा है, इवन बियर भी उसके अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे खूब ऑप्शंस थे, तो अच्छा है, इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आप बैंगलोर में रहते हो और आपको सैटरडे वीकेंड या कभी वीकडेज में लंच या डिनर करना है तो आप जा सकते हो। ये शायद 12 बजे खुलता है नून में और अप टू 1 AM तक खुला रहता है, सो जा सकते हैं। कॉर्पोरेट पार्टीज होती है, पहले डांस वगैरह होता था, फायर शो वगैरह होता था, वो शायद अभी बंद कर दिए होंगे। बट हाँ लार्ज कैपेसिटी में है, अच्छा है, तो आप जा सकते हो। प्राइस भी रिजनेबल, हम लोग 4 लोग गए थे, मस्त खाया पिया, बियर भी मनीष ने की ट्राई किया और हम लोग का बिल अराउंड 5000 का आया, सो इट इज़ अ गुड वन। तो चलिए, तो हमारा सैटरडे तो आज ऐसे ही बीता, अच्छे से खाए। अब दीपिका चाय बना रही है क्योंकि जितना ही बाहर का खा लो, जूसेस पी लो, मोहितो पी लो, जो भी करो, लेकिन जो एक चाय होती है ना, जो शाम की एक चाय, वो बिना पिए हम लोग का दिन कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए दीपिका भी चाय लवर है, मैं भी चाय लवर हूँ, तो दीपिका चाय बना रही है तो अभी चाय पियेंगे और आज का दिन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल संडे है, देखते हैं कहाँ चलते हैं। वैसे तो हो गए निकल, आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, तो होपफुली वही ट्राई करेंगे। अगर नहीं दूसरा कोई डेस्टिनेशन होगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय। मानवी से बाय बाय।